हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग के समक्ष यह दलील दी है कि कांग्रेस पार्टी मतदान के दिन तक अपने चुनाव चिन्ह का अनुचित रूप से प्रयोग करती है। मानव अंग होने के कारण मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर भी उसका प्रदर्शन कर मतदाताओं को लुभाया जाता है। यह सही है कि मानव शरीर के अंग, विशेषकर हाथ या हाथ के पंजे का प्रदर्शन कहीं भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वह शरीर का भाग होने के कारण शरीर के साथ ही हर जगह जा सकता है। आज तक किसी भी पार्टी, यहां तक कि स्वयं भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि इससे चुनाव को प्रभावित किया जाना मुमकिन के साथ आसान भी है। भाजपा ने चुनाव आयोग से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा को निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की है। 6 पेज वाली इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर 100 मीटर की दूरी तक चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 और चुनाव आचार संहिता के नियम 4 का उल्लंघन है, इसलिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रद्द किया जाना चाहिए। अश्विनी का तर्क है कि किसी भी राजनीतिक दल को मनुष्य के किसी भी अंग के चित्र को चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कल सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से मुलाकात भी की। अश्विनी का कहना है कि इस संबंध में यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे। अर्जी में दलील दी गई है कि हाथ का पंजा मानव अंग है, इसका प्रदर्शन चुनाव के दिन मतदान से पहले और बाद में मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर और बाहर अक्सर किया जाता है। इससे किसी खास पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन होता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माइंड द न्यूज को। थैंक यू।